राजस्थान की बॉक्सर अरुंधति चौधरी ने अगले महीने होने जा रही वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए चयन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। ओलंपिक मेडल विजेता लवलीना का बिना ट्रायल चयन हुआ है और अरुंधति ने इसे गलत बताया है। उन्होंने फेडरेशन को कटघरे में खड़ा करते हुए लवलीना को भी चुनौती दे डाली है। सुने क्या कह रही है बॉक्सर अरुंधति चौधरी। वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जैसे हम लोगों को बताया गया है कि जो नेशनल क्वालिफायर है, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है, सिर्फ वही वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाएंगे। लेकिन हमारे जैसे बॉक्सिंग में 12 वेट कैटेगरीज है, तो 11 लड़कियों को तो एज पर गोल्ड के लिए भेज रहे हैं और मेरे वेट में उन लोगों ने डायरेक्ट सिलेक्शन किया है लवलीना बोरगोहेन, जो अभी प्रेजेंट में ओलंपिक्स की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। तो मेरी एक ही अपील है कि एज पर नॉर्म्स मुझे भेजिए, क्योंकि मैं भी एक नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ जो अभी लास्ट मंथ हिसार में हुआ। और आप लोगों को अगर लगता है कि वो मुझसे बेस्ट है, तो बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग बस एक ट्रायल करवा दीजिए, जो सच में जीतेगा आप उसे भेजिएगा, जो वेल डिजर्विंग है वो भी वहीं जाना चाहिए। क्या उपलब्धियां हैं अभी तक की अपने खेलों पर? मैं अब मेरा फर्स्ट ईयर है सीनियर का, तो अभी प्रेजेंट में तो मैं सीनियर नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। वैसे यूथ में मैं एशियन ब्रॉन्ज मेडलिस्ट और यूथ में वर्ल्ड गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। जूनियर में मैं एशियन बेस्ट बॉक्सर हूँ, 3 टाइम नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट एंड 1 टाइम सिल्वर एंड 3 टाइम कंटिन्यूस खेलो इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट। फेडरेशन द्वारा यदि अपना फेडरेशन द्वारा यदि निर्णय चेंज नहीं किया गया तो आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? वैसे तो हमारी पूरी कोशिश है, जिस तरह हम लोग इतना अपील कर रहे हैं तो वो लोग मान जाने चाहिए। अगर एज पर वो लास्ट तक नहीं मानते हैं तो फिर हम जरूर हाईकोर्ट के पास जाएंगे, तो वो तो हमारी मदद वैसे भी करेंगे। तो बस हमारा यही है कि हम हाईकोर्ट तक न जाएं, उससे पहले ही आप लोग हमारी इस बात को मान लीजिए। सीनियर में स्वर्ण पदक जीत चुकी है अरुंधति चौधरी, और एज पर रूल बॉक्सिंग फेडरेशन इंडिया ने लागू किया था उसके आधार पर इसका चयन वर्ल्ड चैंपियनशिप में हो चुका है। अब फेडरेशन कह रही है कि लवलीना बोरो, जो कि 69 केजी में ओलंपिक में कांस्य पदक लेके आई थी, वो जाएगी। तो रूल के आधार पर इसका चयन बनता है। सभी 12 वेट जाने हैं, जिनमें से 11 वेट जाएंगे और ये नहीं जाएगी, तो एक खिलाड़ी के साथ ये मतलब नाइंसाफी है। और अगर आपको लगता है कि लवलीना बेस्ट है तो आप उसके साथ ट्रायल करा लीजिए इसकी, और जो बेस्ट है इन दोनों में से उन्हें ही वर्ल्ड चैंपियन भेजें, ताकि हम देश को मेडल दे सकें। और झूठी मतलब ये वाहवाही लूटने से बढ़िया है कि देश को हम पदक दें और देश का तिरंगा ले रहे, क्योंकि हमारी पहले स्थिति बहुत टाइट है देश की, तो हमारे पहले मेडल नहीं आते हैं। और हम इस प्रकार से अगर पास नहीं करके बच्चों को भेजेंगे तो आगे में हमारी ये स्थिति रहेगी, कहीं मेडल नहीं आ पाएंगे। अगर मेडल चाहिए देश को तो सही चयन प्रक्रिया जो है उसका पालन करते हुए सही बच्चे का निष्पक्ष चयन करें और उसे ही भेजें। अरुंधति चौधरी आज राजस्थान की स्पोर्ट्स आइकन है, और इसके पीछे पिछले 5 साल का लगातार कठोर परिश्रम और अनुशासन से प्रयास है। पांच बार की अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन और 2021 की यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग की चैंपियन अरुंधति ने इस वर्ष भी सीनियर महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जो है स्वर्ण पदक प्राप्त किया, और इसकी जो 4 बाउट थी उसमें से 2 नॉकआउट और 2 यूनानिमस डिसीजन रहा है। ये फेडरेशन को अच्छी तरह मालूम है कि अरुंधति एक अच्छी बॉक्सर है और वो इंडिया के लिए पदक ला सकती है। लेकिन लवलीना, जिन्होंने कि अभी ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त किया है और निश्चित ही वो सम्मान के हकदार है, लेकिन हमारा प्रश्न यही है कि किसी भी प्रतियोगिता के लिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक का होना या फिर ट्रायल में जीतना अनिवार्य होता है, और फेडरेशन आज इन दोनों ही प्रक्रियाओं का उल्लंघन करके और एक सम्मान के तौर पर, या हमें नहीं मालूम कि इसके पीछे कोई दबाव काम कर रहा है, वो लवलीना को भेजना चाह रहे हैं, और इससे गलत परिपाटी शुरू होगी। और आने वाले समय में अनेक जो खिलाड़ी है जो रात दिन परिश्रम करते हैं, उनके मन में भी हताशा घर करेगी कि जब अरुंधति ने इस लेवल पर पहुंचकर भी इतना अन्याय सहन किया है तो हमारा क्या होगा। तो मेरा यही कहना है मीडिया से और राजनीतिक जो लोग हैं और खेल से जो जुड़ाव रखते हैं, कि हमारी आवाज़ के साथ में अपनी आवाज़ मिलाए।